नमस्कार आदावर। तो दोस्तों, एक शेर के साथ आज मैं फिर एक शुरुआत करना चाहता हूँ कि चरागों के नहीं होते हैं कोई घर कहीं साहेब, चरागों के नहीं होते हैं कोई घर कहीं साहेब, जहां जलते हैं वहां रोशनी बिखेर देते हैं। तो दोस्तों, ZRFZ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अगर आंतों में इन्फेक्शन रहता है या कि कोई भी व्यक्ति पेट की जलन, आंतों में इन्फेक्शन जैसे खतरनाक रोग से पीड़ित है, या कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कहीं से भी धोखेधड़ी से उसने धतूरा खा लिया है और धतूरा खाने के कारण उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति को धतूरे के नशे से कैसे मुक्ति दी जाए, या कि अफीम खाने वाला व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अफीम खाता है, आखिर उसकी अफीम को कैसे जड़ से छुड़ाया जाए। तो दोस्तों, इन सब नुस्खों के बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन सी औषधि है जिससे आप पूरी तरीके से आंतों के इन्फेक्शन से और महफूज रह सकते हैं। और खास तौर से नशे से अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, यानी कि नशा अफीम बिल्कुल गारंटी से छूटेगी। अफीम का खाने वाला व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अफीम खाता है तो उसको चंद दिनों, हफ्ते दो हफ्ते, अगर जो मैं बूटी दिखाने जा रहा हूँ वो उसको अगर आपको खिलाएंगे तो पूरी तरीके से अफीम का नशा ख़त्म हो जाएगा। और वही बूटी अगर उस व्यक्ति की, उस बूटी की चटनी बनाकर खिलाएंगे तो उस व्यक्ति के पूरी तरीके से आंतों के इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर वो बूटी कौन सी है और किस प्रकार से आपको खानी है और उसके कौन कौन से किस प्रकार में क्या क्या नाम है। दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपके पास आ चुका हूं मेरे भाइयों। तो ये देखिए मेरे भाइयों, ये बूटी है, आप तो इसे पहचान ही गए होंगे। इसको कहते क्या है आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें पीले प्रकार के, पीले तरीके से फूल होते हैं। ये देखिए आपको, ये नशीम भाई हमारे हैं जो इस तरह आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बाग में रहते हैं और ये अक्सर मैं इन्हीं को ले लेता हूँ ज़्यादातर जब भी मुझे लेना होता है। तो दोस्तों, ये है वो बूटी। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसको हिंदी में, भाइयों, ये जो बूटी है इसको हिंदी में तिपतिया कहते हैं, तिपतिया। इसको हिंदी में तिपतिया कहते हैं और बंगाली में आमरुल बूटी बोलते हैं मेरे भाइयों। जी हाँ, इसे बंगाली में आमरुल बूटी बोलते हैं और पंजाबी में खट्टी मीठी बूटी बोली जाती है दोस्तों, और गुजराती में आम बूटी बोली जाती है। तो ये वही बूटी है दोस्तों, और कन्नड़ में इसको कुल्लू पुलुचे कहा जाता है और मराठी में आम बूटी। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शर्म दर्द रहता हो और किसी प्रकार से सर दर्द नहीं जा रहा हो तो इस बूटी के रस को प्याज के रस के साथ मिलाकर माथे में लेप करने से चंद दिनों में उसके सर का दर्द पूरी तरीके से चला जाएगा मेरे भाइयों। ये भी बहुत आजमूदार नुस्खा है मेरे भाइयों। और उसके बाद और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना बन सके। और अगर किसी ने गलती से धतूरा खा लिया है तो इसकी कम से कम 10 ml रस निकाल करके उस व्यक्ति को, धतूरा खाने वाले व्यक्ति को 2-3 बार पिला देंगे तो धतूरे का नशा पूरी तरीके से उतर जाएगा। और मेरे भाइयों, अगर किसी बच्चे को या कि किसी भी माता बहनों को बुखार, टाइफाइड आने के बाद अक्सर शिकायत देखी जाती है, अक्सर ये देखा जाता है कि उसकी भूख में पूरी कमी आ जाती है और वो कोई भी चीज़ को खाने पीने में असमर्थ रहती हैं, ऐसी माताओं और बहनों के लिए भी अगर इसका काढ़ा बनाकर पिलाएंगे, या काढ़ा नहीं बनाकर पिला सकते हैं तो आप ये आमरुल बूटी कम से कम 50 ग्राम लेकर के इसकी आप चटनी बना करके उनको खिलाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कारगर होगी मेरे भाइयों। ये आप खा सकते हैं, मैं आपको इसे खा के दिखा रहा हूँ। आप ये लोग ना सोचें कि कोई ऐसी बूटी नहीं कि जो नुकसान करती हो। मेरे भाइयों, ये बहुत ही आजमूदार बूटी है, खट्टी मीठी बूटी। ये देखिए, आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन आजमूदार नुस्खा है मेरे भाइयों, लेकिन जरूरत पर ही इसको उपयोग करें। ये देखिए, इतनी मैंने ली, आप ये देखिए आ गया, ली गया ना। तो दोस्तों, ये कोई साधारण बूटी नहीं है। भूख की कमी अगर आंतों में असर हो गया है, आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो व्यक्ति को अगर चटनी नहीं बना सकता, उसके घर में प्रॉब्लम है या किसी तरीके से नहीं बना सकता है, तो जिस तरीके से मैंने खाई वैसे खा ले। आप ये मत कमेंट करें कि सर आप क्यों खा रहे हैं, क्या आपके हाथों में असर है, आपको नुकसान नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं। ये जड़ी बूटियां जो है
अगर आपको फायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी। वैसे हमारे शरीर एक मर्ज का गोदाउन है, कोई ना कोई मर्ज बना रहता है और हर जड़ी बूटी में कुछ ना कुछ मर्ज को सही करने की ताशीर रहती है। इसलिए दोस्तों जड़ी बूटियों का उपयोग कीजिए, ऐसी दवाइयां मत, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती है मेरे भाइयों, ये बहुत ही बेहतर आजमूदार नुस्खा है जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ एक बार फिर दिखा करके। तो दोस्तों देखते रहिए ZRFZ YouTube चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे भाई।